कि हम भारत में विदेशी टीवी चैनलों को आज देखते हैं, तो जितने भी विदेशी टीवी चैनल हैं, जैसे स्टार प्लस आया है, CNN है, ATN है, प्राइम स्टार है, प्राइम स्पोर्ट्स है, वगैरह वगैरह, इन सभी टीवी चैनलों पर कुछ सीरियल्स आते हैं और उन सीरियलों को भारतवासी देखते हैं और दिखाते भी भारतवासी हैं, लेकिन उनके प्लॉट सभी अमेरिका और यूरोप से आते हैं। भारत में स्टार प्लस पे सबसे ज्यादा सीरियल दिखाने वाली एक लड़की है जिसका नाम है एकता कपूर, उसके सबसे ज्यादा सीरियल आते हैं। सौभाग्य से एक बार मुझे उससे बात करने का मौका मिला मुंबई में, तो मैंने उससे एक ही सवाल पूछा कि आपके जितने भी सीरियल हैं, सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी, तेरी मेरी कहानी, इसकी कहानी उसकी कहानी, ये सब सीरियल के प्लॉट्स कहां से आते हैं, कहानी कहां से आती है? तो उन्होंने कहा दिस इज ऑल इम्पोर्टेड, प्लॉट तो सभी अमेरिका से हैं, यूरोप से आए हैं, कहानी सब वहां से आई है, उसमें हमने भारतीय पात्रों को फिट करने की कोशिश की है। तो मैंने कहा अब मुझे समझ में आ गया कि आपके सभी सीरियल में माताओं को ही सबसे ज्यादा गालियां क्यों दी जाती है। सास भी कभी बहू थी, आप अगर इस सीरियल को ध्यान से देखें तो इस सीरियल की सभी स्त्री पात्र या माताएं पात्र सबसे ज्यादा दुर्भावना का शिकार है। ऐसे ही कसौटी जिंदगी की या कहानी घर घर की कोई भी सीरियल देखें, ये सभी सीरियलों को मैं देख नहीं पाता हूं लेकिन इनकी स्टोरी जरूर पढ़ता हूं मैं, कभी अखबार में आती है कभी मैगजीन में। तो उन सब सीरियलों में एक माता दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, दूसरी तीसरे के खिलाफ, तीसरी चौथी के खिलाफ, ननद भाभी के खिलाफ, भाभी ननद के खिलाफ, माता जो है किसी और के, इसी तरह के षड्यंत्र 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 माताओं के बीच में सबसे ज्यादा, पुरुषों में कुछ कम, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेड प्लॉट्स हैं, यूरोप से आए हैं अमेरिका, तो वहां तो माता तो कुछ है नहीं, तो उसके खिलाफ षड्यंत्र भी हो तो कोई महत्व की बात नहीं है, यहां तो बहुत कुछ उसी पर निर्भर है, लेकिन हमने चूंकि आयातित किया हुआ है, उसको हिंदुस्तान का थोड़ा मिर्च मसाला लगा के पेश किया हुआ है, तो सभी सीरियल उसी तरह के दिखाई देते हैं इस देश में। चूंकि हम अगर अपनी सभ्यता को ध्यान में रख के कोई सीरियल बनाए और अपनी मान्यताओं को ध्यान में रख के बनाए तो इसके बिल्कुल विपरीत बनेंगे जो आज हम देख रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, मैंने जब इनको कहा कि एकता कपूर को कि आप कोई भारतीय मान्यताओं के आधार पर भी, तो उनका आप प्लॉट बना के दे दीजिए, हमारी दिमाग में तो आता नहीं है, क्योंकि हमने तो जो पढ़ा लिखा है वो सब कुछ इसी तरह का है, मॉडर्निज्म का, यूरोपियनिज्म का, अमेरिकनिज्म। एकता कपूर यूरोप में पढ़ के आई है, थोड़े दिन अमेरिका में रह के आई है, तो वो कहती है कि ज्यादा कुछ हम जो देखते रहे वो यहाँ पे बनाते रहे। तो इस तरह का होता है जब आप अंधानुकरण करते हैं, बिना सोचे समझे नकल करते हैं, तो इस तरह का उसमें से कुछ निकलता है, फिर हम अपना सिर पीटते हैं, अरे हमारी संस्कृति का नाश हो रहा है, सभ्यता का नाश हो रहा है, वो तो होगा ही, क्योंकि बिना सोचे समझे तो आप ये सब कर ही रहे, कोई विचार तो होता नहीं, कोई बहस तो होती नहीं, कोई मुहाविसा तो होता नहीं इस देश में, ऐसे ही चलता जाता है। तो एक मात्र सत्तात्मक समाज हमारा, एक पितृ सत्तात्मक समाज उनका, अब कौन अच्छा कौन बुरा इसमें नहीं जाना चाहिए, वो अलग हम अलग, अब अलग अलग मान्यता और सभ्यता के लोग अलग अलग मान्यता और सभ्यता के ही कार्य करेंगे तभी कुछ अच्छा होगा, नहीं तो उसमें से कुछ खराब ही निकलेगा, घालमेल करेंगे, फ्यूजन करेंगे तो खिचड़ी बनेगा।